हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शेर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिजर की पाठशाला में, और आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक चीज़ बता दूँ आप सभी को कि अब जो हमारी क्लासेस हैं वो DSSSB की और KVS के लिए कंबाइंड क्लास, जो CDP वाला या टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोलॉजी कहते हैं आप उसको, वो कंबाइन करके चलेगी क्लास। और ये जो मैंने टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं सारे बता रहा हूँ, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। बाकी DSSSB के लिए अलग से NIOS पढ़ना है, वो मैं कराऊँगा। पहले हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, DSSSB PRT की जो वैकेंसीज हैं वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी, इलेक्शन के बाद जुलाई अगस्त में मिल जाएंगी। तो इसीलिए अब हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए DSSSB के लिए और KVS के लिए भी। KVS की तो मान लीजिए अभी टाइम है उसमें, लेकिन सिलेबस लंबा है और हमें अगर वैकेंसी क्लियर करनी है तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर नेम। तो पहला चैप्टर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ। इसके कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे CDP क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, विशिष्ट बालक, ये पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब समावेशी शिक्षा और विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। और आगे की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएँ जिसको हम कहते हैं। वहीं लैंग्वेज एंड थाट्स, भाषा और विचार, जो नॉम चॉमस्की का ये कॉन्सेप्ट है। आगे की बात करें तो जेंडर ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, सामाजिक रचना के रूप में लिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब आगे की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थिंकिंग एंड लर्निंग, सोचना और सीखना, ये भी हम पढ़ेंगे। वहीं आगे की बात करें डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, क्या डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, निदान और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अब आगे की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अच्छा ये चीज़ें मैंने बता दी, फिर से रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वंशानुक्रम एंड वातावरण, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, स्पेशल चाइल्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लैंग्वेज एंड थाट्स, सेंटर, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, थिंकिंग एंड लर्निंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो मोटिवेशन, हाँ यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये भी पढ़ना है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, ये भी पढ़ना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन तथा परामर्श, इसके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएँ तथा सीखने समझने में त्रुटियाँ, बच्चे मतलब सीखने में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा का दर्शन, पॉलिसी एंड यूनिट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की नीतियाँ और इकाइयाँ, एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, और साइकोलॉजी के फैक्ट्स कुछ हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं, जो कि KVS, एक तरह से मैं कहूँ तो ये CDP का ऐसा टॉपिक्स मैं बताया, सब टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे DSSSB TGT PGT वाले हों, चाहे KVS की TGT PGT PRT हों, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो बहुत सिंपल तरीके में, बहुत आसान तरीके में हम पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें आपको मिलेगा, इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे कोर्सेस हैं, ठीक है, फ्री कोर्स है ये, और आपको डेली एक क्लास मिला करेगी। पहले आपको कॉन्सेप्ट मिलेगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस थियोरी प्लस DSSSB की, उसके बाद DSSSB और KVS या किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे।
बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अच्छे से। अब क्लियर है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो शिक्षक एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण का अर्थ है लक्ष्य को साधते हुए किसी को सीखना या सिखाना। जॉन डेवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया ट्राईपोलर माना है। शिक्षण के लिए हमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना गया है। तो बिल्कुल भैया देखिए, शिक्षण इसको हम टीचिंग बोलते हैं, एक क्या है, एक हमारा उद्देश्य, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसको सीखने का, ठीक है। और हम किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, मतलब हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें एग्ज़ाम देना है, DSSSB का, KVS का हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। वहीं शिक्षण का अर्थ लक्ष्य को साधते हुए किसी को सिखाना, बिल्कुल, जैसे लक्ष्य को साधते हुए का मतलब है कि मैंने लक्ष्य आपके लिए बनाया है कि आप DSSSB एग्ज़ाम क्रैक करोगे और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे CDP सिखाने की, ठीक है। तो यही हुआ। अब जॉन डेवी साहब आते हैं, तो जॉन डेवी साहब क्या कहते हैं कि भैया जो शिक्षण है, टीचिंग है, एक ट्राईपोलर, ठीक है, प्रोसेस है, मतलब त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब त्रिध्रुवी प्रक्रिया का क्या मतलब हो गया, आइए समझाते हैं। देखिए, ट्राईपोलर प्रक्रिया का मतलब क्या है, ठीक है, त्रिध्रुवी को मतलब समझिए अच्छे से। इसमें मतलब तीन लोगों की आवश्यकता होती है, बिना तीन के इसके कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। जैसे स्टूडेंट, जिसको हम छात्र कहते हैं, दूसरा हो जाएगा पाठ्यक्रम, जिसको हम लेसन या चैप्टर्स बोलते हैं, लेसन कह लीजिए, उसके बाद तीसरा होगा करिकुलम कहते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम को, और तीसरा होगा टीचर। बिना इसके टीचिंग संभव नहीं है, ठीक है। तो मतलब जॉन डेवी साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया जो टीचिंग है एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट मतलब छात्र, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम और टीचर का होना जरूरी है, इसलिए इसको क्या कहा इन्होंने, शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, शिक्षण की परिभाषाएं कुछ हैं, यहाँ से देखते हैं। हफ तथा डंकन के अनुसार शिक्षण चार चरणों वाली एक प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। तो भैया डंकन और हफ साहब कहते हैं कि भैया जो टीचिंग है ये चार प्रोसेस की, मतलब चार स्टेप की एक प्रोसेस है, 4-step प्रोसेस है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, मतलब योजना, डायरेक्शन देते हैं, मेजर करते हैं और फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अब भैया डंकन टंडन साहब आते हैं, तो ये कहते हैं कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी है कि जब भी आप शिक्षण अधिगम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आप परफॉर्मेंस बेस्ड रास्ते पे चलें और आपके अंदर प्रोत्साहन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, टीचिंग रूल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे CTET हो, चाहे SuperTET हो, चाहे आप अगर बात करेंगे तो DSSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ टीचिंग वाला पोर्शन आता है। अब पहला है जो शिक्षण सूत्र है कि भैया टीचिंग रूल्स जो हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसको हम कहते हैं नोन टू अननोन। क्या नोन टू अननोन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। तो इसका मतलब ये है भैया कि ज्ञात से अज्ञात का मतलब ये है कि पहले, जैसे हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, उससे पहले हमें आपको क्वेश्चंस करके पूछ लेना है कि आपको कितना आता है, क्या आता है, आप अवेयर हो इससे नहीं। पता करने से अध्यापक को कक्षा का स्तर पता चल जाता है, ज्ञान पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना, पढ़ाना है जो बच्चे नहीं जानते। बिल्कुल भैया, अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लिए, हमें आइडिया लग जाएगा कि क्लास का लेवल कितना है, कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं चीज़ों को, हमें क्या पढ़ाना है, कहाँ तक बच्चों को लेके जाना है, ठीक है। तो ये कहता है नोन टू अननोन, सीधी सी बात है, नोन टू अननोन, इसका मतलब ये है कि हम अगर कक्षा में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को सबसे पहले अज्ञात चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए, बच्चे जिसको बारे में नहीं जानते हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रश्न पूछने से क्या होगा, हमको ये पता चलता है कि कक्षा में बच्चों का लेवल क्या है और उसी के लेवल के अनुसार हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। अब आगे चलते हैं, बी है सरल से कठिन की ओर, इजी टू कॉम्प्लेक्स। पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर का स्तर तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक ने शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे की विश्वास डगमगा जाता है। बिल्कुल भैया, अब सरल से कठिन का
क्या मतलब है? इजी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब ये है भैया कि पहले जो भी टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, पहले आपको जो सरल मतलब एकदम बेसिक सी चीज़ें, जैसे आपका आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है, तो उसके पहले मैं आपको नंबर सिखाऊंगा। तो एकदम पहले बेसिक चीज़ बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लेवल ले जाएंगे, फिर उसके बाद एकदम टफ लेवल लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आप शुरू में ही कठिन क्वेश्चन कर दोगे तो बच्चा जो कॉन्फिडेंस है उसका लो हो जाएगा। ठीक, तो ये कहता है सरल से कठिन की ओर, इजी टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल। अब आगे चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। आइए स्पेसिफिक टू जनरल देखते हैं। अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल भैया, अब जैसे दादी की कहानी है तो उसका जो मेन थीम है, जो उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों को उसके बारे में पहले बताइए, ताकि बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आप चीज़ों को जो जनरल चीज़ें हैं उसको बाद में बताइए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन या समरी पहले बताइए बच्चों को, उसके बाद चीज़ों को जो जनरल चीज़ें उसको बाद में आप बताइए। तो ये कहता है विशिष्ट टू विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आगे चलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ये क्या कहता है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उनको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर तार्किक रूप से नहीं सोच सकता जो उससे पहले नहीं देखी गई है। अतः पहले बच्चों को वस्तुएं दिखानी चाहिए, बाद में उनको हटाकर उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलना चाहिए। तो देखिए, मूर्त से अमूर्त कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि मूर्त का मतलब क्या है कि भैया जो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, अमूर्त का मतलब। तो इसमें ये कहता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसके सामने हमने बॉल रख दी, ठीक है, बॉल रख दी, तो इसमें क्या होता है, बच्चा देख गया बॉल है, फिर इस बॉल को हमने बच्चों की आंखों के सामने से हटा दिया, ठीक, इस बॉल को बच्चे के सामने से हटा दिया, नज़रों के सामने से। अब बच्चा इमेजिनेशन कर पाए, उस पर ध्यान केंद्रित कर पाए, बॉल के प्रेजेंट में भी और बॉल के जो बॉल है उसको अनुपस्थिति में भी, ठीक है, ताकि बच्चा तार्किक रूप से उस पर सोच सके, हाँ बॉल गोल होता है, सर्कल रूप में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पहले बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाइए, मतलब उनके जो आसपास की चीज़ें हैं उनको, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखाइए, उसके बाद उसके बारे में बच्चों को सोचने पे ऐसे क्वेश्चन दीजिए, ऐसे सवाल दीजिए, ताकि बच्चा जिस पे सोचे, ठीक है। अब आगे चलते हैं पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्शियल। अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पहले गाड़ी के बारे में, फिर उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। देखिए बिल्कुल भाई, होल टू पार्ट का मतलब ये है, जैसे बच्चा कोई साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, तो बच्चा पहले देखे, अगर हिंदी में कहते हैं उसको कैंची, हमारे यहाँ कहते थे, बच्चा पहले कैंची चलाना सीखता है, फिर उसके बाद फुल चलाना सीखता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें पहले बच्चे को पूरे भाग की जानकारी दे देनी चाहिए। देखो पहले ये साइकिल है, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा, उसके बाद छोटे छोटे जो उसके कॉन्सेप्ट है उसको जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। पहले हमको बच्चे को बता देना है कि देखो भैया ये गाड़ी है, ये बॉल है, अब उसके बाद ये बताना है कि इसे हम क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं होल टू पार्शियल। अब आगे चलते हैं अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, मतलब अनश्योर टू श्योर की ओर। इसको क्या कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। बच्चा किसी भी नए संप्रत्यय को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए, ताकि वह उसके प्रति निश्चित हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि बच्चे को, देखिए बच्चा जिस चीज़ों से अननोन रहता है उसमें हमेशा उसको कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो हमें हमेशा बच्चों कहाँ पे कन्फ्यूज़ है, कहाँ पे बच्चे को नहीं पता है, कहाँ पे श्योर है कि ये चीज़ें उसको पता है नहीं पता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को नॉलेज, हमें बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है अनश्योर टू श्योर। अब आगे चलते हैं बाल केंद्रित के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल भैया, हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब ये है भैया कि बच्चा केंद्र में होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को ही हमें सिखाना है, उसी को हमारा मतलब सब कुछ मान के हमें उसी को सिखाना है, बाल केंद्रित, ठीक है, हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना है।
अब बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, बच्चा उसका रुचि है कि नहीं है, बच्चा उसमें एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चे को मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब डिफ्रेंसिएशन टू एनालिसिस टू सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना, बिल्कुल भैया विश्लेषण का, एनालिसिस का अर्थ होता है क्या होता है, किसी चीज़ को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। वहीं संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, इसी चीज़ को हमने जोड़ दिया, मिला के जोड़ के बना दिया इसको, तो ये हो गया विश्लेषण, ये हो गया संश्लेषण। अब एग्जाम्पल के मतलब से समझिए, एग्जाम्पल जब हम कविता को अनुवाद कराते हैं तो एक दो दो शब्द तोड़ कर लिखते हैं, और जब हम उसका निष्कर्ष कंक्लूजन देते हैं तो पूरी कविता का निचोड़ बताते हैं। बिल्कुल भैया, जैसे अब बच्चों को कविता पढ़वानी है तो देखते हैं कितने प्यार से हम लोग गा गा के सुनाते हैं, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन, ठीक है, बच्चों को तोड़ तोड़ के दो दो शब्द रटवाते हैं, बच्चा एकदम लय बद्ध में गाने के तरीके से उसको गाता है। लेकिन जब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका कंक्लूजन, उसका समरी बताते हैं कि देखो बच्चा इसमें कविता में ये है, कविता ये है, कविता ये कहना चाहती है, ये करना चाहती है, ठीक है। तो एनालिसिस से सिंथेसिस का मतलब यही है कि पहले हमें किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना है, उसके बाद हमें चीज़ों को जोड़ देना है, ठीक है, मतलब समरी के रूप में बच्चों को सिखाना है। अब आगे चलते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चों को तैयार करना चाहिए कि उसकी पढ़ाई करनी है। अगर वह मनोविज्ञान आधार बनाकर पढ़ेगा तो वह रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत कर सकता है। मतलब साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का मतलब यह है भैया कि पहले बच्चे को मतलब मेंटली मेरा कहने का मतलब है साइकोलॉजिकली उसको समझ लीजिए, ठीक है, कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा है और आप पढ़ाई चले जा रहे हैं, उनके दिमाग को पढ़िए, हाँ बच्चा आज पढ़ने के लिए तैयार है, तो तभी सिखाइए, तभी ताकि वो बच्चा सीख पाएगा। तो अगर वो रुचि उसके अंदर है, इंटरेस्ट है, तब पढ़ाइए, चीज़ों को जल्दी सीखेगा, ठीक है। अगर बिना रुचि के, अगर साइकोलॉजिकली मेंटली बच्चा फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली बच्चा क्लास में नहीं है या प्रिपेयर नहीं है तो आप उसको पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा उसको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होती हैं। पहली बात, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है भैया, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया, इन द सेंस का मतलब ये है कि समाज में शिक्षण बहुत ज़रूरी है, हमें समाज में डिसिप्लिन क्या होता है, हमें आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, हमारे समाज में ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षण एक कैसा है, सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, इंटरेक्ट करके चीज़ों से सीखते हैं हम। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई, भाषाई प्रक्रिया का मतलब ये है कि हम बोलना पढ़ना लिखना सब ये कैसे जानते हैं, एजुकेशन से ही जानते हैं अच्छे से। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल भैया इंटरेक्शन है, हम जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी तो आप सीख पा रहे हैं। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल एक आर्ट है भैया। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है, बिल्कुल अगर हम अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से एजुकेशन हमारे पास है तो हमारा जो डेवलपमेंट है वह बहुत अच्छे तरीके से होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है इसका, बिल्कुल मैंने बताया कि इसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, पाठ्यचर्चा तीनों होने चाहिए, ठीक। अब आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये DSSSB में पूछा गया है। अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा DSSSB के और KVS के, मतलब पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एलन के अनुसार क्या है, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। माइक्रो टीचिंग का मतलब ये है कि भैया, मतलब टीचिंग को आसान बनाने के लिए कक्षा में बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत कम समय में चीज़ों को बच्चे को सिखाया जाता है, तो इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। अब आइए BK पासी एवं MS ललिता का एक डिफिनेशन है जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। आगे क्या है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक शिक्षण तकनीक है। यह शिक्षण एक अति छोटा रूप है, शिक्षण का एक अति छोटा रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। यह शिक्षण छात्रों के छोटे छोटे समूह में होता है। बिल्कुल भैया देखिए, इतना समझिए माइक्रो टीचिंग क्या है कि कम समय में कोई चीज़, कम बच्चे, क्लास में कम बच्चे हों, कम समय में
कोई प्रॉब्लम बड़ी बड़ी मतलब कोई जटिल समस्या है, कोई जटिल कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए चीज़ें की जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। टीचिंग सेशन, टीचिंग सेशन सेशन कितने मिनट का होना चाहिए, मतलब शिक्षण शास्त्र मतलब पढ़ाने के पहले आप सारी चीज़ें पढ़ा रहे बता रहे हो, तो 6 मिनट का होना चाहिए। प्रतिपुष्टि सत्र मतलब फीडबैक कितना मिनट, 6 मिनट का होना चाहिए। पुनर्योजना सत्र मतलब रीप्लान सेशन कितने मिनट का होना चाहिए, 12 मिनट का होना चाहिए। आगे है पुनः अध्यापन पत्र मतलब रीटीच सेशन कितने मिनट का होना चाहिए, 6 मिनट का होना चाहिए। पुनः प्रतिपुष्टि सत्र मतलब रीफीडबैक सेशन कितने मिनट का होना चाहिए, 6 मिनट। तो कुल मिला के 36 मिनट का होना चाहिए टीचिंग साइकिल हमारा, माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब टीचर शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। ठीक, अब टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ग्रुप टीचिंग क्या होती है, री टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। बहुत आसान तरीके से, बहुत कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, बस मन लगा के पढ़िए। चलिए अब वृहद शिक्षण या विस्तार शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसको अच्छे से समझते हैं। वृहद शिक्षण का अर्थ विस्तार तरीके आसान से पढ़ाने हैं। भैया वृहद मतलब माइक्रो का मतलब ही समझ में आ रहा है, कोई चीज़ें विस्तार से पढ़ाना, डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके पढ़ाना। वृहद शिक्षण में अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि भैया इसमें वृहद शिक्षण में क्या होता है कि एक ही समय में जो जैसे क्लास में बैठे हैं 50-60 लोग, और हम एक ही समय में सभी को इक्वली जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सूचना दे रहे हैं सभी को दे रहे हैं। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, मतलब पूरी कक्षा को लेकर होता है, मतलब क्लास के सभी बच्चे इसमें होते हैं, न कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूहों में। वृहद शिक्षण व्याख्यान लेक्चर मेथड विधि पर आधारित होता है। वृहद शिक्षण में छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है कि भैया सीधी सी बात, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी टीचिंग, कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो कक्षा में एक साथ सभी के लिए इक्वली दे रहे हैं। कक्षा में सब लोग बैठे हैं 50-60 लोग, और मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ। इसको और कौन सा मेथड कहते हैं, लेक्चर मेथड पर बेस्ड होता है ये। ठीक है, इसमें छात्रों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं, टोली ग्रुप टीचिंग क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। समूह शिक्षा या टोली शिक्षण शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं, और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है, ताकि शिक्षण उद्देश्य के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाए जा सके। देखिए ग्रुप टीचिंग क्या है, ग्रुप टीचिंग का मतलब ये है कि भैया देखिए इसको टोली शिक्षण भी कहते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं, मतलब अनुदेशन देते हैं, और टीचर 2-3 टीचर मिलकर किसी एक लेसन को मतलब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया ये लेसन है, इसको हम लोग मिलकर अच्छे से पढ़ाएंगे, थोड़ा आप पढ़ाएंगे, थोड़ा हम पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, और इसमें 2 से 2 अधिक शिक्षक भाग लेते हैं, ये मैंने पहले बताया। इसमें जो भी टीचिंग मेथड होती है, प्लानिंग होती है, टाइम होती है, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों के अनुसार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों फ्लेक्सिबल होता है, ताकि जो टीचर का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को सिखाने का, उनकी योग्यता के अनुसार उसको बच्चे अच्छे से सीख सके और उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ सके। ठीक, जैसे मैं कुछ सिखाना चाहूँ आपको तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दूँ, आप जब पढ़ना चाहें अच्छे से, मैं एक प्रोसेस, एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रॉपर गाइडेंस देते हुए मैं आपको सब, टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है आपके अनुसार, तो आप उस चीज़ को सीखेंगे। अब री टीचिंग क्या होती है, आइए इसको देख लेते हैं। रीटीचिंग पुनर्शिक्षण का अर्थ दोबारा पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब दोबारा पढ़ना। पुनर्शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर दोबारा से पाठ्यक्रम पढ़ाता है। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किस बच्चे को वह पाठ याद है, किसको नहीं, पूरा का पूरा पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले ही किसी को पाठ याद हो। देखिए रीटीचिंग का मतलब यही है कि भैया हम कोई भी चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, बस हम अपने अनुसार चीज़ों को पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब चौथा है रेमेडियल टीचिंग। आइए रेमेडियल टीचिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण,
या डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के बाद होता है। बिल्कुल, हम किसी चीज़ का उपचार कब करते हैं, जब उसका मूल्यांकन हमें पता चल जाए, कारण पता चल जाए। जिन बच्चों को किसी विशिष्ट पाठ में दिक्कत आ रही है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बिल्कुल भैया, जैसे मान लीजिए कोई भी पाठ में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है और उन्हीं बच्चों को जिनको दिक्कत आ रही है बस उन्हीं को हमने उठाया और उन्हीं को फिर से वो चीज़ें पढ़ा दी, तो इसी को कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर में बच्चों को समस्या है, ना कि पूरा का पूरा दोबारा पढ़ाने की। अब जैसे बच्चे को कहीं समस्या है इस कॉन्सेप्ट में, बच्चे को बुलाया, तीन चार बच्चों जो भी जिनको समस्या है उनको मैंने पढ़ा दिया वो टॉपिक फिर से, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ते हैं शिक्षण के तरीके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ पूछा जाता है। पहला है इंडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं आगमन विधि। तो फ्रांसिस बेकन एवं पेस्टोलॉजी इस विधि के जनक माने जाते हैं। तो पहली लाइन आपको क्या याद रखनी है कि आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड के जनक कौन है भैया, फ्रांसिस बेकन और पेस्टोलॉजी। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, तो आगमन विधि का मतलब यह है कि भैया पहले हम बच्चों को कोई एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ आते हैं। अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीख लेते हैं। यह विधि विशिष्ट से समान स्पेसिफिक जनरल की ओर चलती है। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि है। यह विधि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा उदाहरण से नियम की ओर पर आधारित होती है। देखिए, अब आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में आपको याद रखना है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, कि भैया इसके जनक कौन है, पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन। इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से पूछेंगे तुम्हारे घर के आसपास कौन सा पेड़ है, तो बच्चे बताएंगे। और जब हम बच्चों को ये उदाहरण देते हैं तो बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ से उससे रिलेट करके अच्छे से चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, और ये जो विधि है ये भैया स्पेसिफिक टू जनरल की ओर चलती है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है। बच्चे डाइवर्स उसके जो मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच सकता है। ये नोन टू अननोन की तरफ चलता है, मतलब बच्चे को पहले जो चीज़ें पता है उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद अननोन की तरफ ले जाते हैं। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट तथा एग्जाम्पल टू रूल्स के आधारित होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इंडक्टिव मेथड। अब चलते हैं आगे, निगमन विधि, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड, इस विधि के जनक कौन है भैया, अरस्तु हैं। याद रखिएगा पहली चीज़, निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। निगमन विधि में पहले हम नियम देते हैं, पहले बच्चों को हम नियम बताते हैं, बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेज़ी से सीख लेता है, बाद में वह नियमों में से नियम बनाना सीख लेता है। गणित और व्याकरण में यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। तो देखिए, इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि प्राइमरी लेवल पर बेस्ट है, लेकिन डिडक्टिव मेथड ये उच्च स्तर, अपर प्राइमरी लेवल पर यूज होता है इसका। इसके जनक कौन है, अरस्तु साहब है। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को पहले रूल बता देते हैं, नियम कि देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, पहले रूल बता देते हैं, उसके बाद बच्चे को उसी से अपना बच्चा रूल बनाना सीख जाता है, रट लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है। ठीक है, गणित और व्याकरण के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पहले रूल्स बताते हैं, उसके बाद बच्चे को हम चीज़ें सिखाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, किंडरगार्टन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं किंडरगार्टन प्रोसेस। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मनी के फ्रॉबेल थे। इनके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है जिसमें बालक स्वक्रिया से स्वच्छंदता के वातावरण में खेल सके। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सीखना होता है। देखिए, किंडरगार्टन प्रोसेस भैया ये किसके, इसके जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल साहब हैं, पहले चीज़ ये याद रखिएगा। इसके बाद फ्रॉबेल साहब कहते हैं कि भैया जो स्कूल है बच्चों के लिए एक बाग है, एक गार्डन है, जिसमें बच्चा अपने मन से स्वच्छता तरीके से चीज़ों को सीख सके या खेल सके। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। इसके लाभ क्या है, इसमें शिशु शिक्षा पर बल दी जाती है। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, खेल द्वारा खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चा फ्रीडम होता है, खेलो मस्त से तुम सीखो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। सामाजिक भावना का विकास होता है इसमें बच्चों के। ठीक है, अब मॉन्टेसरी पढ़ते हैं। मॉन्टेसरी प्रोसेस क्या होता है, मॉन्टेसरी शिक्षा की जन्मदाता कौन है, मारिया मॉन्टेसरी थी। ठीक है, इन्होंने कम बुद्धि बालक की शिक्षा का कार्य शुरू किया, कर यह अनुभव किया कि मानसिक कमजोरी ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न होता है। अतः इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सिखाने पर बल दिया।
देखिए मॉन्टेसरी प्रोसेस का इनकी जन्मदाता कौन है भैया, मारिया मॉन्टेसरी थी। इन्होंने क्या किया कि जो कम बुद्धि जिनके पास होती है, कम बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनके एजुकेशन पर काम किया और इन्होंने फील किया कि जो मानसिक बच्चों में मेंटल वीकनेस है, मानसिक कमजोरी है, ये उनके ज्ञानेंद्रियों आँख कान नाक हाथ, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा को ये कमजोरियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो इन्होंने जो कम बुद्धि वाले बच्चे थे उसको खेल विधि से सिखाने पर बल दिया और कारण कहा कि जो बच्चे नहीं सीख पाते, मेंटली वीक होते हैं, उनके ज्ञानेंद्रियों पर अच्छे से ट्रेन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। देखिए अब इसके गुण क्या है भैया, ज्ञानेंद्रिय के शिक्षण मतलब आँख कान हाथ नाक आपका एक्टिव रहेगा तो आप सीख लोगे। स्वतंत्रता पर बल दिया, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, स्व शिक्षा पर बल दिया, दंड का बहिष्कार किया और शिक्षा खेल के माध्यम से दिया इन्होंने, ठीक है। अब चलते हैं पांचवे पे, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है या परियोजना विधि क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक थे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है, याद रखिएगा। किलपैट्रिक क्या थे, जॉन डीवी के पीपल थे, मतलब शिष्य थे। यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा फिलॉसफी दर्शन पर आधारित है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक मनोकूल सभिप्राय प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होता है। प्रोजेक्ट पद्धति की प्रक्रिया, देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या है, सुनिए। देखिए ये किसके द्वारा दिया गया, जनक थे किलपैट्रिक साहब, किलपैट्रिक साहब जॉन डीवी के शिष्य थे, ठीक है। तो किलपैट्रिक साहब, अब इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसको याद रखना है हमें। अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को बोलता है कि इस समस्या का हल ढूंढो, बच्चे उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखिए जैसे मैंने कोई टॉपिक दे दिया आपके कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो लोग ग्लोबल वार्मिंग पे मतलब बात करते करते ऐसे ही, अच्छा ये बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो मैं कॉन्सेप्ट तक ले गया ग्लोबल वार्मिंग, तो बच्चे बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब बच्चों को हमने समस्या दे दी, अब बच्चों को कहेंगे कि ये समस्या का हल ढूंढो, क्यों गर्मी इतनी पड़ती है, तो इसको लेके बच्चे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा अनुसार दिया जाता है कि बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, बच्चा के लिए क्या आसानी है, ठीक है। प्रोजेक्ट के निर्वाचन होने के बाद उसकी संरचना है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उसका असेसमेंट किया जाता है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। अब आगे चलते हैं डाल्टन मेथड। यह शिक्षा पद्धति 1920 में कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा निकाली गई। हेलन अमेरिका के डाल्टन नगर में 30 बच्चों की इंचार्ज थी जो आयु तथा योग्यता में भिन्न थे, जिनकी शिक्षा के लिए अपनाई गई विधि को डाल्टन विधि कहलाई। तो देखिए डाल्टन भैया यह विधि कब आई, 1920 में, किसके द्वारा दिया गया, कुमारी हेलन पार्क के द्वारा। तो इन्हें ये अमेरिका की थी, इन्होंने वहाँ पे 30 बच्चे जो थे उनकी लीडर थी, जो एज में, ठीक है, और उनके पास जो एबिलिटी थी, सीखने की क्षमता थी, वो भिन्न था, डिफरेंस थे सब। उनकी शिक्षा के लिए जो विधि अपनाई गई इसी को कहते हैं डाल्टन प्रोसेस। अब आगे चलते हैं इसका गुण क्या क्या है। शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, बिल्कुल भाई हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखना, बिल्कुल अपने आप से अगर कोई चीज़ सीखते हैं, करके सीखते हैं, तो आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। निश्चित समय में निश्चित कार्य करना, बिल्कुल आप निश्चित समय में अगर निश्चित कार्य कर रहे हैं तो कभी आप अपने चीज़ों को भूलेंगे नहीं, इधर उधर भटकेंगे नहीं। बालकों में रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा सेल्फ डूइंग की भावना विकसित करना, शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध विकसित होता है इससे। अब पैथोलॉजी मेथड खूब पूछता है भैया DSSB में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जिन्होंने सॉल्व किया होगा वो देखे होंगे। पैथोलॉजी विधि के प्रवर्तक जॉन हेनरी पैथोलॉजी थे। तो पैथोलॉजी के मेथड के जो है इसके प्रवर्तक कौन है, जॉन हेनरी साहब हैं। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बनाया। इन्होंने शिक्षा पेडागॉजी पर बल दिया। तो भैया पेडागॉजी का संबंध जो पेडागॉजी की शुरुआत की पैथोलॉजी ने की, अर्थात अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, बच्चे किस विधि से सीखते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार शिक्षण जो थी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मनुष्य क्या है, वृक्ष के समान होता है और वातावरण से उसका न्यूट्रिशन पोषण लेकर उसी से फलता फूलता है। ऐसे बच्चे अपने चारों तरफ वातावरण से कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा पैथोलॉजी मेथड में इन्होंने कहा कि भैया टीचर को पढ़ाने से पहले टीचर को पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। इससे टीचर को यह पता चलेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, बच्चे किस मेथड से अच्छे से सीखते हैं और उनके लिए पालन पोषण के लिए क्या आवश्यकता है, ठीक है। एक ठीक जैसे पेड़ की पालन पोषण पेड़ का किया जाता है। अब चलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक शिक्षण के प्रतिपादक कौन थे, आर्मस्ट्रांग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अन्वेषण, डिस्कवरी,
स्वानुभाविक शिक्षण में बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या के लिए प्रश्न दे देता है और वहाँ से हट जाता है जब बच्चे उसका हल खोजते हैं। तो देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहता है भैया कि इसके जो जनक हैं आर्मस्ट्रांग साहब थे, और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, जैसे कि आप सबको पता है, डिस्कवरी मतलब खोजना। इसमें क्या होता है कि भैया शिक्षण में क्या होता है कि बच्चा अपने आप से चीज़ों को खोजता है और सीखता है। इसमें बस टीचर एक हेल्पर होता है, बच्चे को डायरेक्शन देता है बच्चा कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, और बच्चा खुद ही अपने समस्या का समाधान खोज लेता है। और जब बच्चा समस्या का समाधान खोज लेता है तो टीचर वहाँ से हट जाता है या समस्या के लिए प्रश्न दे देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं लेक्चर या डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेक्चर का मेथड मतलब यही है भैया कि आप क्लास में बैठे हैं, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर होता है, मतलब टीचर इसमें मेन होता है, बच्चे समझे न समझे ये उनके लिए नहीं होता, बस वो अपना लेक्चर दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब परिचर्चा डिस्कशन मेथड क्या होता है। इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं। कई बार छात्र किसी विषय को लेकर डिस्कशन भी करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सभी छात्र अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। देखिए, डिस्कशन मेथड का मतलब यही है कि भैया टीचर और स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन करके क्या है कि चीज़ों को सीख रहे हैं कि अपने विचार, हमारा विचार ये है, तुम्हारा क्या विचार है, आपका क्या विचार है, और इस विधि से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चीज़ों को डिस्कशन करते करते चीज़ों को सीख जाते हैं और हमें लंबे समय तक ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अब लास्ट कड़ी पे आ गए हम लोग, निरूपण या निदर्शन विधि, जिसको हम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। तो जब अध्यापक रोचक उदाहरणों, चार्ट, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर तथा अन्य प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रयोग करके पढ़ाता है तो वह निरूपण विधि कहलाती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है, यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि भैया जब टीचर कोई भी प्रॉपर अच्छा सा चार्ट यूज करे पढ़ाने में, बच्चों के लिए मॉडल करे, प्रोजेक्टर तथा मैप वगैरह यूज करें, मतलब टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब हम चार्ट पेपर का, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर का यूज करें, तो इसमें क्या, इस विधि को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल चाइल्ड सेंटर होती है, बच्चा केंद्र में होता है, बच्चा सीखेगा तभी सिखाएंगे, बच्चा रोएगा तो नहीं सिखाएंगे। ठीक है, बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तभी सिखाते हैं, तो यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहला टॉपिक अच्छे से कर लिया कि टीचिंग एंड रूल्स उसके क्या हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए जरूर है। बाकी अब अगला वीडियो जो DSSB KVS में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे TGT PGT PRT में, सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा कल। बाकी ऑल द बेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में करिएगा ताकि मैं खुद को सेल्फ इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत।